नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदय तिथि नवमी और गुरुवार का दिन है। नौवीं तिथि आज दोपहर पहले 11:08 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी आज शाम 6:50 तक। इंद्र योग रहेगा, साथ ही आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:32 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आज श्री महानंदा नवमी है। नंदा देवी माता दुर्गा का ही एक रूप है। आज माँ नंदा की विशेष रूप से उपासना की जाती है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। ये योग सुबह 6:39 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:09 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 फरवरी की दोपहर पहले 11:53 से अगली सुबह 6:37 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:30 से रात 11:18 तक, और एक बार फिर देर रात 1:38 से कल सुबह 7:33 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 फरवरी की दोपहर पहले 11:51 से दोपहर 1:46 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 फरवरी की सुबह 7:33 से सुबह 7:43 तक, और एक बार फिर सुबह 9:10 से दोपहर 2:06 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:38 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:14 से दोपहर 2:10 तक, और एक बार फिर शाम 4:28 से रात 11:18 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 फरवरी की दोपहर पहले 12:22 से शाम 6:29 तक, और एक बार फिर रात 8:46 से रात 8:59 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 फरवरी की सुबह 9:10 से दोपहर 2:06 तक, और एक बार फिर शाम 6:41 से देर रात 1:34 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब ये अशुभ समय 13 फरवरी की दोपहर 3:03 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि सारे काम शुरू करते वक्त, कोई भी काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब फिर दोहरा दूं, शुभ कार्य करते वक्त, क्योंकि कुछ काम तो ऐसे हैं जो राहुकाल में करने से फायदा होता है, तो कुछ शुभ कार्य करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहुकाल होगा 1:58 से 3:21 तक, मुंबई 2:19 से 3:45 तक, चंडीगढ़ 1:59 से 3:21 तक, लखनऊ 1:44 से 3:08 तक, भोपाल 1:59 से 3:24 तक, कोलकाता 1:16 से 2:41 तक, अहमदाबाद 2:18 से 3:43 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज 1:51 से 3:18 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज पूरे दिन आपका मन आनंदित रहेगा। इस राशि के जो लोग कपड़े का बिजनेस करते हैं, आज आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आज अंत होगा। जो छात्र लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें किसी बड़े संस्थान में दाखिला लेने का अवसर प्राप्त होगा। आज आपको किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने का मौका मिलेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज उधार के लेन देन से बचिए। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। जो लोग जूतों का बिजनेस करते हैं, आज उनके बिजनेस का विस्तार होगा। इस राशि के जो छात्र कॉमर्स की फील्ड से हैं, उन्हें आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। किसी टॉपिक को समझने में शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी, जिसे पूरा करने में आप सफल होंगे। अविवाहित जातकों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। कार्य क्षेत्र में आज आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे सहकर्मी आपको बधाई देंगे। बिजनेसमैन को आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। किसी नई डील में पैसा लगाने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा। आज घर के कार्यों में बड़े भाई का सहयोग प्राप्त होगा। आज जीवन साथी के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी। लवमेट्स को उपहार मिलेगा, साथ ही कहीं बाहर घूमने का प्लान भी बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। रुके हुए कार्यों को पूरा करने में किसी से ली गई सलाह कारगर साबित होगी। दाम्पत्य जीवन में नई खुशियां आएंगी। बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। छात्रों के लिए सफलता के नए दरवाजे खुले नजर आएंगे। आज बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। लोहे का बिजनेस करने वालों के व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आज लवमेट्स की नजर की तरफ से अपने मनपसंद लवमेट की तरफ से आज आपको कुछ मनपसंद उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आप अपने सोचे हुए कार्यों को जल्दी पूरा कर लेंगे। इस राशि के वकील वर्ग के लोगों को किसी पुराने क्लाइंट से धन लाभ होगा। कार्यों में बड़े भाई का सहयोग मिलता रहेगा। इस राशि की महिलाएं अपना कार्य समय से पहले पूरा करने में सफल होंगी, जिससे आपको रिलैक्स महसूस होगा। आज माता पिता के आशीर्वाद से किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। आज अपनी वाणी पर जहां तक हो सके संयम रखें। किसी के बीच में बोलने से बचना होगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। जो लोग राजनीति में हैं, उन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। छोटे स्तर पर व्यापार करने वाले लोगों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन रिश्तों में मिठास भरने वाला रहेगा। आज आप अपने जीवन साथी को किसी धार्मिक स्थल पर ले जाएंगे। इस राशि के जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उन्हें आज किसी जमीन से अच्छा मुनाफा होगा। आज ऑफिस में आपके कार्यों की तारीफ होगी, साथ ही इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज आपका व्यापार उतार चढ़ाव से भरा रहेगा।
अगर लंबे समय से किसी बात को लेकर परेशान है तो जीवन साथी के साथ शेयर करेंगे, इससे आपको सुकून मिलेगा। आज पैसों से जुड़े लेन देन करने से बचना होगा, किसी को बिना सोचे समझे पैसा उधार देने से बचें। इस राशि के छात्रों को शिक्षकों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। विरोधी पक्ष पर हावी होने में आज आप सफल होंगे। साथ की किसी कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। इस राशि के जो लोग थिएटर और फिल्म लाइन में काम करते हैं, आज उन्हें नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। अविवाहित जातकों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों की बॉस आज तारीफ करेंगे। नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है। आज शाम को बच्चों के साथ खेलने में थोड़ा समय बिता सकते हैं। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज हर किसी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो लोग वकील हैं, आज आपको किसी पुराने केस में सफलता प्राप्त होगी। आज कार्यक्षेत्र में आपको जूनियर्स का सहयोग मिलेगा। जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं उन्हें आज फायदे का सौदा मिल सकता है। आज घर वालों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में जाने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर दोस्तों की लिस्ट में इजाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 5। मकर राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज जीवन में आपको नया मुकाम प्राप्त होगा। इस राशि के जो लोग फैशन डिजाइनर हैं, आज उन्हें अच्छे काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जो लोग संगीत और गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं, समाज में उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी। आज आपको किसी बड़ी म्यूजिक कंपनी से ऑफर भी मिल सकता है। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सुनहरा रहने वाला है। आज पूरे दिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी। इस राशि के जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, ऑफिस में आज उन्हें सहयोगियों की मदद मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, आज उन्हें अधिक धन लाभ होने की उम्मीद है। आज आपको किसी पारिवारिक कार्य की वजह से दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ेगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। जो युवक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें आज अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज जो लोग मीन राशि के लेखक हैं, आपका किसी समारोह में सम्मान होगा। आपकी लेखनी की तारीफ हर जगह होगी। आज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से होगी। आप दोनों बचपन की यादें ताजी करेंगे। सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों के पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आज पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज तुलसी में जल अर्पित करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज ऑफिस में आपके विचारों के मुताबिक माहौल बना रहेगा। मूलांक 2, अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। मूलांक 3, आज आप जिस कार्य की भी शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मूलांक 4, आज आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। मूलांक 5, कार्यक्षेत्र में आज आपके सीनियर्स आपको सहयोग देंगे जिससे आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। मूलांक 6, आज आपका दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है। मूलांक 7, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, खासतौर पर ट्रैफिक नियमों का पालन करें। मूलांक 8, दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति बनेगी जिससे आपके परिवार में खुशी आएंगी। मूलांक 9, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों का दिन बेहतर रहेगा, कोई नया शोध करने का मौका मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे एरोवाना मछली के बारे में। क्या एरोवाना मछली को घर में रखने से फायदा होता है? सुनहरी मछली के साथ साथ एरोवाना मछली को भी वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छा माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में एरोवाना मछली को रखना
शुभ माना जाता है। ये मछली अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, धन और शक्ति का प्रतीक है। ये बुरी शक्तियों को दूर करती है। अगर आप अपने घर में जिंदा मछली नहीं पाल सकते या नहीं पालना चाहते तो इसका भी एक तरीका है, आप मुंह में सिक्का लिए हुए सुनहरी अरवाना मछली की मूर्ति घर में रख सकते हैं। इस मूर्ति को आप अपने घर की उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में ही रख सकते हैं। कुछ प्राणी शास्त्रियों के अनुसार अरवाना मछली तलहटी में बैठकर भूकंप के आने की पूर्व सूचना भी देती है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा अरवाना मछली के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि नवमी और गुरुवार का दिन है। नौवीं तिथि आज दोपहर पहले 11:08 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 6:50 तक इंद्रयोग रहेगा। इंद्रयोग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:32 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिनमें रोहिणी नक्षत्र का चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। वनस्पतियों में रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा आज रोहिणी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, साथ ही नमस्कार करना चाहिए। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को आज जामुन के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही जामुन के फल या उससे बनी किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए। आज ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी इंद्रयोग और रोहिणी नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे आज पढ़ने वाली महानंदा नवमी के बारे में। आज श्री महानंदा नवमी है। नंदा देवी दुर्गा जी का ही एक रूप है। आज माँ नंदा की विशेष रूप से उपासना की जाती है। इनकी उपासना से व्यक्ति को अप्रतिम शक्तियाँ मिलती हैं। जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, साथ ही दुश्मन से जीतने में मदद हासिल होती है। लिहाजा आज इस खास अवसर पर आप कौन से विशेष उपाय करके देवी माँ को खुश कर सकते हैं और अपने दुश्मनों पर जीत हासिल कर सकते हैं, साथ ही हर तरह की सुख सुविधाएं पा सकते हैं, फिलहाल अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप बहुत दिनों से अपने मनपसंद वर या वधू की तलाश में हैं तो आज आपको दुर्गा सप्तशती के इस विशेष मंत्र का पाठ करना चाहिए। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस प्रकार मंत्र जप के साथ ही आपको देवी माँ के मंदिर में 16 श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जल्द ही एक अच्छी पत्नी की तलाश पूरी होगी। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही सुख सौभाग्य अच्छा रूप और जीवन में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आज आपको 108 मखानों से हवन करना चाहिए, साथ ही इस विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जयि। आज के दिन ऐसा करने से आपको अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही सुख सौभाग्य अच्छा रूप और जीवन में जीत हासिल होगी। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो उससे बचने के लिए आज आपको देवी माँ की इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं शं फट स्वाहा। एक बार फिर सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओं ग्लौं हुं क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं शं फट स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप के साथ ही आपको धान के लावे से यानी धान को भूनकर उससे हवन करना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आप शत्रुओं से होने वाली परेशानियों से बचे रहेंगे। और अगर आप अपने जीवन में किसी प्रकार की बाधा से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति में आ रही हो या पैसे पाने में आ रही हो, हर तरह की बाधा छुटकारा पाने के लिए आज आपको ये मंत्र पढ़ना चाहिए। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता
मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस प्रकार मंत्र जप के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित करें। आज के दिन ये उपाय करने से आपको हर तरह की बाधा से छुटकारा मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं लेकिन आपको जॉब में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही है, तो आज आपको अपने सामने 5 कौड़ियां रखकर देवी के इस शावर मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंह वाहिनी बीज हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल उत्तर पथ में आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि धन धान्य देहि देहि कुर कुर स्वाहा। फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंह वाहिनी बीस हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल उत्तर पथ में आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि धन धान्य देहि देहि कुर कुर स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप के बाद देवी माँ को नारियल अर्पित करें और सामने रखी कौड़ियों को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ये उपाय करने से आप जल्द ही जॉब में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। देखो, ये जो हमने आपको साबर मंत्र बताया, तो इनके बारे में ये कहना है कि जो साबर मंत्र हैं इनका सृजन आज के युग के आज के समय को की आवश्यकता को देखते हुए, क्योंकि कलव युगे चतुर्गुणम कृत्वा, जैसे मान लीजिए हमने आपको मंत्र बताया कि वो ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, अब इस मंत्र का मंत्र महाराणा कहता है 1 लाख जप करो फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये सतोगुण और त्रेता युग के, सतयुग और त्रेता युग के लिए, कलव युगे चतुर्गुणम कृत्वा यानी 4 गुना करो 4 लाख करो। अब कलयुग में वैसे ही इतना चारों तरफ जो है वो गड़बड़ सड़बड़ फैली हुई है, वैचारिक प्रदूषण है, शारीरिक प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, एटमॉस्फेरिक मतलब वातावरण में प्रदूषण, हर तरह का प्रदूषण अवेलेबल है। तो अब इसमें करें क्या? तो जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने साउंड इंजीनियरिंग को साउंड इंजीनियरिंग के समझदार थे, उन्होंने शावर मंत्रों को की रचना की। बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है अपने उसमें रामचरितमानस में, देख कलिमल हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। भगवान शंकर ने कलिमल को देखते हुए मतलब कलयुग की स्थिति को देखते हुए साबर मंत्रों के जाल को रचा। जाल के मतलब साबर मंत्र रचे। अनगढ़ आखर अरख अरथ न जापू, इनके अक्षर अनगढ़ होते हैं, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल भी नहीं होता अरथ न जापू। अच्छा, इसकी एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, बहुत ज्यादा जप नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा जप नहीं करना पड़ता। देखिए, हम अक्सर दिवाली वाली के दिन आपको एक चोर पकड़ने का मंत्र पहले बताया करते थे, है ना। उसमें क्या है कि जिस सुतारी से जूता गांठा जाता है सुतारी ले लो, ऐसे पकड़ लो, और वो मंत्र है वो रास्ती मौज में रजस खुदाए कश्म नदीदम अजगुम सुध रहे रास। दिवाली की रात केवल 7 बार आप ये मंत्र पढ़ लीजिए, आप साल भर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको मालूम है कोई चीज़ आपकी चोरी चली गई गुम हो गई, तो जिन लोगों पे शक है उन 5-7 लोगों के नाम रखिए, और जूता गांठने की सुतारी, हालांकि अब वो मुश्किल है लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि मिलेगी नहीं, उसको लीजिए और ऐसे पकड़िए जो मतलब इस तरीके से, ताकि ये ना रहे कि आप हाथ से घुमा सकें कहीं पर, और उसको सबके नाम के ऊपर ले जाइए मंत्र पढ़ते हुए, तो जो होगा उसके आगे जूता घूम जाएगा, हमने ऐसा घूमते देखा है। तो अब ये इस तरीके के मंत्र, अब इसका मतलब क्या है? रास्ती मौज में रजस खुदाए कश्म नदीदम अजगुम सुध रहे रास, इसकी क्या मीनिंग है? अब ये तो या तो मॉडर्न डे में दोबारा साउंड इंजीनियरिंग पर बहुत तगड़ा कोई काम हो, नई रिसर्च हो, और इन रिसर्चेस के जरिए जाना जा सके, लेकिन होता है ये तय है। तो आप भी इन अनगढ़ आखर अरथ ने जापू, भाई तुलसीदास ने जो रचना रची वो नाना पुराण निगमागम सम्मत यानी क्या क्या पढ़ने के बाद लिखा गोस्वामी जी ने, जो लिख दिया 400-500 साल चल रहा है, 400 साल चल रहा है, अभी भी बिल्कुल एकदम प्रासंगिक लगता है। तो बहुत सोच विचार के उन्होंने लिखा, देख कलिमल हर गिरजा साबर मंत्र जाल जन सिरजा अनगढ़ आखर अरथ न जापू। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कलयुग की स्थिति को देखते हुए ज्यादा जप संख्या नहीं रखी गई, 5 बार पढ़ लो, 11 बार पढ़ लो, 7 बार पढ़ लो, दिवाली के दिन सिद्ध कर लो, 7 बार इस्तेमाल करते रहो, इस तरीके की व्यवस्था है।
तो ये जो बीच बीच में हम आपको साबर मंत्र बताते रहते हैं उनसे चौंकिए नहीं, उनको बहुत सावधानी से सुनिए और जो शब्द जो स्वर जो व्यंजन उसमें दिए गए हैं उन शब्दों उन स्वरों उन व्यंजनों को उसी ढंग से इस्तेमाल करके आप उसका बिल्कुल लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको देवी माँ को पोशाक चढ़ानी चाहिए, वस्त्र चढ़ाने चाहिए, साथ ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई में चाहिए। देखो ये नवान्न मंत्र है, दुर्गा जी का सबसे सिद्ध मंत्र है, इसको खूब कीजिए और सब लोग कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में प्यार बना रहेगा। और अगर आप हर तरह से हर काम में अपनी रक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको देवी माँ के चरणों में 5 गोमती चक्र रखकर उनके इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है, शूले न पाही नो देवी, पाही खटगे न चांबिके, घंटा स्वने न पाही, चापज्जा निस्वने न च। फिर से सुनिए, शूले न पाही नो देवी, पाही खटगे न चांबिके, घंटा स्वने न पाही, चापज्जा निस्वने न च। इस प्रकार मंत्र जप के बाद उस गोमती चक्र को संभाल कर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। आज के दिन ये उपाय करने से हर काम में आपकी रक्षा सुनिश्चित होगी, आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज श्री महानंदा नवमी के बारे में। आज इस विशेष अवसर पर आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कालाराम मंदिर के दर्शन। ये मंदिर नासिक के पास पवित्र पंचवटी नामक स्थान पर है, तो गोदावरी के इधर नासिक है, इधर नासिक है और इधर पंचवटी है। खास बात यह है कि यहाँ पर स्थापित भगवान राम का विग्रह काले पत्थर से बना है, इसी कारण इसे कालाराम मंदिर भी कहा जाता है। भगवान राम के साथ ही यहाँ माता सीता और लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं। ये मंदिर 74 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा है। यहाँ विराजमान हनुमान मंदिर में वे अपने आराध्य राम के चरणों की ओर देखते हुए प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर पर्णकुटी के स्थान पर बनाया गया है, जहाँ पुरातन काल में नाथपंथी साधु निवास करते थे। एक दिन साधुओं को नदी पर यह मूर्ति प्राप्त हुई और उन्होंने इसे लकड़ी के मंदिर में विराजमान किया। तत्पश्चात कहते हैं कि माधवराव पेशवा जी की माताश्री गोपिकाबाई की सूचना पर इस की इच्छा पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे लंबे वर्गाकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के चेहरे की आकृति चौड़ाई में सामान्य और लंबाई में अधिक होती है उन लोगों की महत्वाकांक्षाएं अधिक होती हैं। इनकी मानसिक चेतना का पूर्ण विकास होता है और इनमें अच्छे विचारों का प्रवाह भी बना रहता है। साथ ही बता दूं कि वैसे तो ये लोग अपना हर काम बहुत ही सोच समझकर और परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही करते हैं, लेकिन कई बार काम पूरा करने के लिए ये थोड़ी जल्दबाजी भी कर देते हैं। बाकी ये उन लोगों में से नहीं होते कि बिना सोचे समझे या आंखें मूंद कर गड्ढे में कूद जाए, यानी खुद से ही मुसीबतों में फंस जाए। इनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है। हालांकि कभी कभी आलस्य के कारण इनकी योजनाओं में परेशानी भी खड़ी हो जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा लंबे वर्गाकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि नवमी है। नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नवमी तिथि आज दोपहर पहले 11:08 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 1:52 तक रहेगी। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। अतः आज दोपहर पहले 11:08 तक आपको लौकी का सेवन करने से बचना चाहिए, उसके बाद कल दोपहर 1:52 तक कलम्बी का शाक अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ रिंग 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 फट फट ठा ठा एहे एहे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब
वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का, आज शहद लाकर अपने कमरे के नॉर्थ वेस्ट कोने में रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।